नमः सिद्धेभ्यः। देवलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। चारित्र शिरोमणि आचार्य श्री नेमी सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका परम पूज्य भारत गौरव दिव्यशक्ति गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की जय। भव्यात्माओं, आज आप सब लोगों को परीक्षा में सम्मिलित होना है। पारस चैनल और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से आपको भगवान महावीर कैसे बने इस पुस्तक का पीडीएफ भेजा गया और उसकी परीक्षा की तारीख घोषित हुई है 6 अगस्त 2024। आज भगवान सुमतिनाथ का गर्भ कल्याणक महोत्सव है। प्रातःकाल हम सभी ने भगवान सुमतिनाथ के जन्म स्थल के मंदिर जी में भगवान के दर्शन किए और वहीं पर भगवान का महाभिषेक हुआ। आप सब ने उस दृश्य को देखा और गर्भ कल्याणक के उपलक्ष में रत्न वृष्टि हुई थी और हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी का आज तारीख से जन्मदिन भी है। क्यों? लेकिन अपने को तिथि से ही मनाना है। भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक के दिन जो भी है तारीख के अनुसार है तो है। आज एक विशेष प्रसंग की ओर मैं ले चलती हूँ और उसके बाद में हम पेपर डिस्प्ले करेंगे। आज से लेकर के शरद पूर्णिमा तक 73 डेज होते हैं, 73 दिन। पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का 73वां संयम दिवस आ रहा है। आप सबको मालूम है कि शरद पूर्णिमा के दिन सन 1952 में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने युग की प्रथम बाल योगिनी के रूप में ग्रह संसार का त्याग करके और बाल योगिनी बनने का संकल्प लेकर के ग्रह त्याग किया। सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण किए। बाराबंकी नगर का इतिहास बन गया। भगवान चंदा प्रभु का चमत्कार हो गया। आज भी भगवान चंदा प्रभु का दिन इसलिए है कि सद गृहस्थ परमस्थान की प्राप्ति के लिए भगवान चंदा प्रभु की जाप की जाती है। इसलिए आज चंदा प्रभु भगवान की भी जाप आपको पूज्य माते ने कराई, उनका अभिषेक भी हुआ। उन भगवान चंदा प्रभु के चमत्कार स्वरूप बाराबंकी में पूज्य माता जी ने जब गृह त्याग किया और संयम के पद पर अग्रसर हुई, वह दिवस हम प्रतिवर्ष इसलिए विशेष याद रखते हैं कि इन्होंने कुमारी कन्याओं के त्याग का मार्ग प्रशस्त किया। तो आज हम विशेष समारोह इसलिए कह रहे हैं कि आज से हम श्रुत ज्ञान महोत्सव का प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने वीर शासन महोत्सव कहा और वीर शासन महोत्सव में आपको भगवान महावीर के वास्तविक जीवन परिचय से परिचित कराने का एक माध्यम दिया है। और अब बिना तुम भी खड़े हो जाओ। तो आज से इस दीप का श्रुत ज्ञान महोत्सव की दीप का प्रज्वलन करेंगे और लगातार 72 दिन तक कार्यक्रम करके 73वें दिन शुद्ध ज्ञान शरद पूर्णिमा महोत्सव होगा। तो आज श्रुत की देवी पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के इस महोत्सव
कम शुभारंभ कर रहे हैं। भगवान की साक्षी है, गौतम गणधर का वरद हस्त है, चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की प्रतिमा विराजमान है, वीर सागर महाराज के श्री चरण विराजमान है, सरस्वती माता साक्षात सखंडागम के रूप में विराजमान है और पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं साक्षात, तो उनकी पावन सानिध्य को लेकर के ही हम इस महोत्सव का प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब ने भी एक एक दीप अपने समीप रखा है, जैसे ही यहाँ मंत्र बोलेंगे आप भी दीपक जलाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। जिन संस्कृति का पुण्य धरातल, जिनके तप से सुरभित है, श्रुत संस्कृति का पुण्य नभस्थल, जिनके ज्ञान से सुरभित है, धरती अंबर मिलकर जिनके ज्ञान को वंदन करते हैं, उन माँ गणिनी ज्ञानमती को हम शत वंदन करते हैं, उन गणिनी माँ ज्ञानमती को हम शत वंदन करते हैं। संयम का है वर्ष 73वां श्रुति ज्ञान महोत्सव है, श्रुति की देवी ज्ञानमती जी का शरद पूर्णिमा उत्सव है, पूरे देश व दुनिया में इसकी सुगंध फैलाना है, एक बार फिर से प्रभु वीर का शासन धरा पिलाना है। श्रुत ज्ञानेन भो भव्य श्रुतज्ञानोत्सवं कुरु, श्रुतज्ञानमवाप्त्यर्थं श्रुतमात्रे नमो नमः। सभी दीदियाँ भी साथ में खड़ी हो जाएं। सारिका बहन जी, मंजू बहन जी, श्वेता बहन जी आ जाएं, दीपा बहन जी और मंगला जी, सब लोग आ जाइए। और इस महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं 16 संतों की पिच्छियों की पावन साक्षी में। चलिए, ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अर्हम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संबत 2550 मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे आज द्वितीया तिथौ भगवता सुमतिनाथस्य गर्भ कल्याणक शुभ अवसरे गणिनी श्री ज्ञानमती मातुः श्रुतज्ञान महोत्सव महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा, दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा, श्रुतज्ञान महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। जबलो श्रुतज्ञान महोत्सव की जय। हाँ, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के मुख्य संयोजक विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी और हमारे संघ की ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी, संघ संचालिका सारिका बहन जी, मंजू बहन जी और सभी बहन जी यहाँ पर दीप का प्रज्वलन कर रहे हैं। और पूरे देश के लोग यहाँ पर जूम चैनल के माध्यम से दीप प्रज्वलित करते दिखाई दे रहे हैं। सबको स्पॉटलाइट करें अलग अलग। हाँ, ओम रीम श्रावण शुक्ला द्वितीया तिथौ अद्य प्रभृति आश्विन शुक्ला पूर्णिमा पर्यंतम श्रुतज्ञान महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम प्रथमाचार्य सूरी श्री शांति सागर मंगलम प्रथमो शिष्य सूरी श्री वीर सागर मंगलम वीर सिंधोश्च माता शिष्या ज्ञानमती मता मंगलम मातु निधिया कुर्वन्तु सर्वत्र मंगलम। हमारे जितेंद्र जी सपना लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश से इन्होंने दीप प्रज्वलित किया और देशभर के लोगों ने आज एक शॉर्ट नोटिस पर बिल्कुल दोपहर में ही हमने इस कार्यक्रम का निर्णय लिया
और आप सब तक जो सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंची सुश्री मनीषा जैन बड़ौत, अचला जी जैन मेरठ से, सभी लोग दीप प्रज्वलन करके शुद्ध ज्ञान महोत्सव की अनुमोदना कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की मनोरमा जी जैन दिल्ली से दीप प्रज्वलन कर रही हैं, और सौभाग्यवती क्षमा जी, जगदीश जी शाह और उनके सुपुत्र अजीत जी शाह मुंबई से, और ये कौन है, सी ठीक है, अच्छा अशोक जी जैन सीए की पुत्री हैं, हाँ चल जी चलिए, और हमारी अलका जी जैन दिल्ली से। देश के कोने कोने में बैठे लोगों ने आज इस महोत्सव की अनुमोदना की है। कल से हम ये महोत्सव, आज दीप प्रज्वलित हुआ है और कल से और भी हम इस महोत्सव को विराट स्वरूप प्रदान करेंगे। पूज्यगणी ज्ञानमती माता ने जहाँ 500 से अधिक ग्रंथों का लेखन किया है, हम एक एक दिन में एक एक पुस्तकों के, उनके ग्रंथों के माध्यम से भी आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। हमारी सारिका बिलाला जी जो हमेशा पुण्य प्रेरणा भी प्रदान किया करती हैं, कहती हैं माता जी खूब प्रभावनापूर्वक पूज्य हमारी माता श्री का महोत्सव मनाया जाए, वो भी दीप प्रज्वलन कर रही हैं, रत्न लेकर के आप बैठी, रत्नवृष्टि भी करोगी क्या। तो अब हम सरस्वती माता के मंत्रों को 27 बार बोलेंगे और उसके बाद में हम पेपर जब डिस्प्ले करेंगे, आप लोग सरस्वती की आराधना के साथ करेंगे, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। चलिए हम पहले सरस्वती माता का मंत्र बोलते हैं। ओम रीम जिनमुखोद्भूत आचारांगाय नमः, ओम रीम जिनमुखोद्भूत आचारांगाय नमः, ओम रीम जिनमुखोद्भूत आचारांगाय नमः। आप सब लोगों ने जो जो भी वस्तु, काजू, किशमिश, बादाम, इलायची, फूल, रत्न वगैरह रखे हों, उनसे मंत्र की आराधना कीजिए। ओम रीम जिनमुखोद्भूत आचारांगाय नमः, 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 ओम रीम जिनमुखोद्भूत आचारांगाय नमः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। चलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के एक मंत्र का 9 बार बोलती हूँ, उसको भी आप लोग करिएगा। ओम रीम श्री ज्ञानमत्यै नमः, 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 ओम रीम श्री ज्ञान मत्यै नमः। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये हुआ आज का शुद्ध ज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम। पुनः अब आपका भगवान महावीर कैसे बने, इस विषय में जो आपको पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई है, उस पुस्तक के अनुसार अब आपकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है। आप सभी लोग, पेपर डिस्प्ले हो रहा है, इसको ध्यान से देखें, ध्यान से करें, और सबको ध्यान देना है, इसी पुस्तक के आधार से
आपके उत्तर माने जाएंगे। कोई भी इसके अलावा किसी पुस्तक के आधार से कोई उत्तर नहीं लिखेगा, यदि लिखेगा तो हो सकता है उसका उत्तर गलत हो जाए। ये भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत हमने साप्ताहिक वीर शासन महोत्सव का ये कार्यक्रम संपन्न किया है। आज इस पुस्तक के माध्यम से आप सब लोग भगवान महावीर के जीवन को जैन दिगंबर जैन मान्यता के अनुसार जान चुके हैं, इसलिए अब पेपर डिस्प्ले हो रहा है, आप सब आराम से उसके उत्तर लिखेंगे और आपके पास अच्छा समय भी दिया जाएगा, कम से कम 4:15 बजे तक, 4:15 तक आप इनके उत्तर आराम से लिखें। एक प्रश्न के 4-4 उत्तर हैं और 4 उत्तर में कोई एक उत्तर ही सही है जिसमें आपको टिक मार्क करना है। कंप्यूटराइज व्यवस्था है, सारे उत्तर आपके कंप्यूटर से ही चेक होंगे और कल ही आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा, इसलिए आप शुरू कर दीजिए। जिन लोगों के पास जूम चैनल की सुविधा उपलब्ध ना हो वे व्हाट्सएप नंबर पर भी इसे पेपर को मंगा करके और उसके उत्तर लिख सकते हैं। जरा जूम उसका नंबर दे दो, व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके 8171351392 इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो आपको पेपर भेजा जाएगा। 8171351392 इसी पर आप लोग पहले भी संपर्क करते रहे हैं और आपको हमेशा किन्हीं किन्हीं चीज़ों का PDF भी इसी नंबर से भेजा गया है। आज भी इसी नंबर से आप लोग व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हैं पेपर और जो लोग जूम पर उपस्थित हैं सबके पास पेपर पहुंच चुका है, उसका क्लिक करेंगे जूम के चैट बॉक्स से और तुरंत आपको पेपर उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सुंदर पुस्तक के साथ में पुस्तक के कवर का पृष्ठ भी उपलब्ध है और उसके नीचे आप सब अपना नाम, शहर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये सब लिख करके और उत्तर भरना शुरू कर दें। हमने आज शुद्ध ज्ञान महोत्सव का शुभारंभ शाश्वत तीर्थ अयोध्या से केवल नहीं किया है, आप सब लोगों ने देश के कोने कोने से, महाराष्ट्र से भी हमारी सौ सुनीता प्रमोद कास्टलीवाल औरंगाबाद से, उन्होंने भी मुंबई से भी लोगों ने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश से भी, राजधानी दिल्ली से भी, गुजरात में बैठी हमारी बहनों ने, तमाम लोगों ने शुरुआत कर ली है दीप प्रज्वलित करके और समय समय पर आप सबको और भी कार्यक्रम बीच में किए जाएंगे। 73 दिन तक लगातार कार्यक्रम चलेगा। कल हम आपको सर्वप्रथम जो प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है उसका स्वाध्याय कराएंगे और कल आपका रिजल्ट घोषित होगा। परसों से हम आपको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के द्वारा रचित एक एक ग्रंथ का सार समझाने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठना और उसके द्वारा आप एक एक ग्रंथ का हार्द, उसका रहस्य, उसका मूल समझ सकेंगे, सार उसका एब्स्ट्रैक्ट समझ सकेंगे। सबसे पहले हम बाल विकास के 4 भागों को लेंगे कि इन 4 भागों के अंदर क्या विषय है और आपके लिए कितने आवश्यक हैं इनका अध्ययन करना। तो इस प्रकार से
शुद्ध ज्ञान महोत्सव को अपने अंदर शुद्ध ज्ञान की ज्योति जला करके उस महोत्सव को आप सब सार्थक करेंगे। आचार्य त्रय के अर्घ को समर्पित करके पूज्य गणी ज्ञानमती माताजी की पूजन करेंगे, क्योंकि आज ही हमने शुद्ध ज्ञान महोत्सव को प्रारंभ किया है। तो प्रतिदिन आप सब अच्छी अच्छी सामग्री लगा करके और पूजन करने के लिए बैठेंगे, ताकि अपनी श्रुत माता पूज्य गणी ज्ञानमती माताजी की पूजन को आप संपन्न कर सकें। तो अब हम पूजन चालू करते हैं। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ समर्पण है, वीर सिंधु अरुणे मिसिंद आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। ओम रेम श्री शांति सागर वीर सागर नेम सागर आचार्य त्रय मुनिंद्रव्यो अर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामते स्वाहा। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आइए पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी की पूजन करते हैं। आज शुद्ध ज्ञान महोत्सव का मंगल उद्घाटन हुआ है। इस मंगल उद्घाटन की प्रारंभिक शुभारंभ की बेला में पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी की पूजन हम लोग यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं, सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरत सौषटाहोननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभान पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणेश प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामते स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणेश प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामते स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणेश प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामते स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया, इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणेश प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामते स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी शुधा मिटाते हैं,
लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तव वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनिर्मोक्ष ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। परीक्षा में भाग लेने वाले महानुभव ध्यान दें, आप अपना क्वेश्चन पेपर करते रहिए। पारस चैनल का समय समाप्त होने के पश्चात भी भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर ये परीक्षा चलती रहेगी। 4:15 बजे तक का समय आप लोगों के लिए रखा गया है। जिन लोगों का नहीं भी हो पाएगा वो 4:30 तक भी अपने पेपर को सॉल्व करके जमा कर सकते हैं और कल इसका परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, जैसा कि पूज्य माता जी ने भी बताया है। तो सभी लोग बहुत अच्छी प्रकार से पुस्तक, आपको माता जी ने कई बार बताया था, पुस्तक दी गई है, उसी पुस्तक के माध्यम से ही आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखित भगवान महावीर कैसे बने, इस पुस्तक के आधार से ही सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उसी के आधार से आपको अपने उत्तर का चयन करना है। और मुख्य बात इसमें यह है कि माता जी चाहती हैं कि भगवान महावीर के जीवन से आप आगम के ग्रंथों के अनुसार परिचित हों। किसी प्रकार की कोई विसंगतियां आ जाती हैं जानकारी में, तो वो विसंगतियां आपके मस्तिष्क में ना रहें और सही सही जानकारी आपको दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार प्राप्त हो सके, ये भावना पूज्य माता जी की इस परीक्षा के अंतर्गत रही है।